नमस्कार साथियों, सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसका कि शेयर प्राइस 141 रुपया, screener.in वेबसाइट का नाम है, इस पर शो हो रहा है। इस पर कुछ मुख्य डाटा को देखते हैं। जैसा कि सामने दिख रहा है, BSE और NSE कोड भी है। तो BSE कोड है 500113 और NSE पर SAIL यानी कि सेल। इसका मार्केट कैप 58,050 करोड़ का हो चुका है और स्टॉक पी 15.0 का है, ROCE 8.10% का और ROE 6.44% का है। बुक वैल्यू 138 रुपया जबकि करंट प्राइस 141 रुपया, थोड़ा सा ऊपर में गई है पिछले ट्रेडिंग डे में ही। बाउंड्री का हाई लो 176 रुपया और 81.80 रुपया। डिविडेंड यील्ड 1.42%, फेस वैल्यू 10 रुपया। इसका वेबसाइट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है और देश के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में महारत्न कंपनियों में से एक है। सेल 5 एकीकृत संयंत्रों और 3 विशेष इस्पात संयंत्रों में लोहा और इस्पात का उत्पादन करता है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में स्थित है और कच्चे माल के घरेलू स्रोतों के करीब स्थित है। सेल इस्पात उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करता है। स्रोत कंपनी की वेबसाइट से है, यानी कि ये भी वेबसाइट बोल चुका है कि इसका ये जो डाटा जो आपको दिख रहा है या उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो कंपनी के वेबसाइट से। तो कौन बोल रहा है, तो screener.in। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, सेल्स में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा डाउन हुआ था जून 2024 के क्वार्टर में, जो कि 23,998 करोड़ का सेल्स हुआ। एक्सपेंस उसी के अनुसार कम हुआ, 21,778 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कम ही है, यानी कि 33% लगभग कम है, जो कि 2,220 करोड़ का हुआ है। और डिप्रिसिएशन 1,402 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 98 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 82 करोड़ का, जिसके वजह से EPS मात्र 20 पैसा, जो कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है। बैलेंस शीट एक नज़र में, मार्च 2024 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 4,131 करोड़ का, जबकि रिजर्व इसके पास में 52,971 करोड़ का है। ब्रोइंग है 36,323 करोड़ का। अदर लाइबिलिटीज 47,598 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट 4,589 करोड़ का। अदर एसेट 57,867 करोड़ का। टोटल एसेट 141,022 करोड़ का हो चुका है इस कंपनी का। इन्वेस्टर के मामले में यानी कि शेयर होल्डिंग के मामले में काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग 65% का है और FIs के पास में 3.01% का है और DIs के पास में 15.72% का, पब्लिक के पास में 16.27% का, पब्लिक के पास में FIs से ज़्यादा है बट DIs के होल्डिंग से भी ज़्यादा है थोड़ा सा। खास बात है कि प्रमोटर होल्डिंग 65% है, काफ़ी अच्छा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 18,42,454 व्यक्तियों का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इतना पोर्टफोलियो होगी, यानी कि इतना अकाउंट होगा जो कि इन्वेस्टमेंट इसमें किया होगा। इसमें लास्ट अपडेट न्यूज क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है 2 दिन पहले का, तो देख सकते हैं क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो इसमें कब से स्टार्ट है। तो 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 48 घंटे बाद तक, तो किसके बाद तक, तो जब तक कि क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टरली हाफ ईयरली इंडेड 13th सितंबर 2024। अब किसके लिए होता है,
तो ये देख सकते हैं, सभी नामित व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि वे निकट संबंधियों सहित ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से जुड़े किसी भी लेन देन में सौदा नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छा अपडेट न्यूज है, कारण कि जो कंपनी समय टू समय रिप्लाई देते रहता है, यानी कि अपना फाइनेंशियल से संबंधित, बैलेंस शीट से संबंधित अगर अनाउंसमेंट करते रहता है, शो करते रहता है बैलेंस शीट को, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है। उसका कामकाज, उसका हर चीज़ सही ढंग से चल रहा है ऐसा माना जाता है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।